दी साबरमती रिपोर्ट, ये फिल्म जिसे आज हम सब लोग यहां देखने आए हैं, यह फिल्म सच्चाई के आधार पर यह फिल्म है और यह सच्ची कहानी है जो घटना घटी गोधरा की, उसके बारे में यह सच्चाई बयान करती है। दुर्भाग्य यह है कि इस देश में सच्चाई को सामने आने में 22 साल से ज्यादा लग गया और जो गोधरा कांड का जो सच्चाई है उसको इस फिल्म ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और जिसके नेतृत्व तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनके सहयोगी दलों ने मिल करके देश की जनता से सच्चाई को छुपाने में उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सच्चाई बाहर आई है। उसी तरीके से ये जो हमारे सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल और लिबरल फोर्सेस, उन्होंने भी एक बहुत स्ट्रांग इकोसिस्टम के तहत यह कोशिश की कि सच्चाई सामने ना आए और तुष्टीकरण की राजनीति में और लिबरल्स के नाम पर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाए, इस बात का प्रयास हुआ है। मैं फिल्म के निर्माता, फिल्म के निर्देशक और फिल्म के सभी आर्टिस्ट को, कलाकारों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें अदाकारी की है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मुझे मालूम है कि किस वातावरण में जो ये जो लेफ्ट और लिबरल्स और अपीजमेंट करने वाली पॉलिटिक्स के जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से सच्चाई बयां करने वालों के पीछे पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं इनको बधाई देता हूं और साथ में मैं आपके माध्यम से देश की जनता को यह निवेदन करता हूं कि आप सब लोग जरूर परिवार के साथ दी साबरमती रिपोर्ट देखें और जानें कि किस तरीके से नरसंहार हुआ था, किस तरीके से गोधरा कांड हुआ था और किस साजिश के तहत जो हमारे कार सेवक थे उनको जिंदा जलाया गया था। पहली बार उनके नाम सामने आए हैं। इतनी 22 साल घटना घटे हो गए, कभी भी किसी भी, और ये जो यूपीए की सरकार थी जिसकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी, इसने हर तरीके से अपने साबरमती ये गोधरा कांड को मिट्टी डालने का काम और इसको दबाए रखने का काम किया। आज वो घटना सामने आई है। मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि आप भी देखें और आपके माध्यम से देश की जनता जरूर इस फिल्म को देखे और सच्चाई देश के सामने आए।